महीने तक चाय, इतने गर्मा गर्म चाय। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये हमारे टॉपिक का सारा सवाल है, हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं एज यूजुअल, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है किस चीज का बॉक्स है। आज का हमारा टॉपिक है पैकेजिंग। क्या है पैकिंग? क्या होती है रोड से ही सामान को पैक करना पैकिंग होती है, और हमें भी पता है इसका पैकिंग क्या होती है। पैकिंग एक आर्ट होती है, एक साइंस होती है। गिफ्ट पैक किया आपने, हर कोई तो गिफ्ट पैक नहीं कर सकता, हर कोई दूसरों को बोलता भाई तुम गिफ्ट पैक कर दो हमारा, बोलते कि नहीं बोलते, क्योंकि पैकिंग एक आर्ट होती है। किसी का गिफ्ट इतना ब्यूटीफुल पैक होता है, इतना प्यारा लगता है, और किसी का गिफ्ट होता है ऐसे बेकार सा बिखरा होता है। अभी आप लोग स्कूल में फंक्शन था, अभी भी जस्ट था ना, कौन सा फंक्शन था, स्पोर्ट्स डे, तो उसमें मैंने गिफ्ट को कैसे पैक किया, जैसे ट्रॉफी को पैक करते हैं दोनों साइड से, किसी ने कैसे पैक किया, किसी ने कैसे पैक किया। तो पैकिंग एक आर्ट होता है, एक साइंस होता है, जो कि उस प्रोडक्ट को और ब्यूटीफुल बना देता है, जिस भी चीज़ में वो रखा हुआ होता है ना। मतलब जो भी प्रोडक्ट आपका है, उस प्रोडक्ट को ब्यूटीफुल बनाने का काम पैकिंग करती है। अब आपका क्या होता है, समथिंग हमारे रंगों की आदत होती है, हम बर्थडे पे किसी को गिफ्ट करते हैं, तो पैकिंग से उस गिफ्ट को और ब्यूटीफुल बनाते हैं, सो दैट हमारा गिफ्ट और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे। पैकिंग बना देती है उन चीज़ों को ब्यूटीफुल। सिमिलरली अगर एक प्रोड्यूसर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, और वो सेलिंग के टाइम पर जो प्रोडक्ट है उसको आप ब्यूटीफुल पैकिंग के साथ सेल करते हो, तो वो प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होता है। कुछ एग्जांपल्स मैं भी लेकर आई हूँ घर से, कुछ एग्जांपल्स आप लोग लेकर आओगे अपने घर से, ठीक है। अब जो पैकिंग है वो कितने टाइप की होती है, पैकिंग कितने टाइप की होती है, पैकिंग होती है थ्री टाइप की। कितने टाइप की? थ्री टाइप। फर्स्ट इज प्राइमरी पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग वो पैकिंग होती है लाइक टेट्रा पैक होते हैं ना, टेट्रा पैक जिनको आप इमीडिएट यूज करते हो, ठीक है। अब मैं देखती हूँ उसमें से मेरे पास प्राइमरी पैकिंग वाली कौन सी चीज़ है, बोलो पहले तो बोलो, आबरा कटाबरा के लिए छूट ये रहेगी। ये हमारा कौन सा पैकिंग है, प्राइमरी पैकिंग है। क्यों प्राइमरी पैकिंग है ये, क्योंकि इमीडिएट यूज होगा, इसको हम ओपन करेंगे और इमीडिएट इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा है प्राइमरी पैकेजिंग का एग्जांपल। तो प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है, जो जस्ट इमीडिएट यूज किया जाता है, फॉर एग्जांपल टेट्रा पैक एंड ऑल दीस थिंग्स, जो भी आपको बॉक्स भी हो सकता है इसमें, कोई भी बॉक्स जिसको आप इमीडिएट यूज करते हैं। अब है हमारा सेकेंडरी पैकिंग। सेकेंडरी पैकिंग क्या होती है, पैकिंग के अंदर एक और पैकिंग है ना, जिसमें से कि सेकेंडरी का मीनिंग जो फर्स्ट बॉक्स होता है उसको हटा के फेंक देते हैं और सेकंड वाले को यूज करते हैं। चलो भाई इसका भी एग्जांपल दें, गिली गिली छू तो करो, तुमने देखने का कुछ बात देखो क्या है ये पॉलिनी, अच्छा देख लिया आपने। अब ये एक बॉक्स है ना, अब मुझे पॉलिनी को यूज करना है, तो क्या है ये, दिस इज सेकेंडरी पैकिंग, इसको मैं दिस इज प्राइमरी पैकिंग, और ये मुझे रखनी पड़ेगी जब तक इसके अंदर क्रीम, ओके। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी, गॉट इट। सेकेंडरी क्या होती है, डबल पैकिंग होती है। अब वो डबल पैकिंग क्यों होती है, अभी मैंने फेंक दी उसको और बताना फिर उठाना पड़ेगा। हाँ जी डबल पैकिंग, अब दोनों में एक चीज कॉमन देखना, आप दोनों में ही नाम लिखे हुए, प्राइमरी के ऊपर भी लिखा हुआ नाम और सेकेंडरी पर भी, दोनों पर नाम लिखे हुआ है। अभी ये भी क्वेश्चन आएगा बाद में कि इस पैकिंग का यूज क्या होगा, ओके। प्राइमरी सेकेंडरी क्लियर। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। ट्रांसपोर्टेशन वो क्या होती है, प्रोडक्ट को यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो पैकिंग का यूज किया जाता है, ताकि देयर इज नो वियर एंड टियर, किसी तरह का मतलब वियर एंड टियर ना हो, जो भी प्रोडक्ट है आपका वो इजीली डिस्पैच किया जा सके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। क्या होगा इसका बेनिफिट, ये एग्जांपल एक है, हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आई विल शो यू, ओके। आप भी मुझे कुछ दिखाएंगे, कुछ मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगी। ये ट्रांसपोर्टेशन पैकेज है, देखो कितनी हैवी है ना। अब क्या होगा, इसको कितना भी हम टूटेगा नहीं अंदर, क्योंकि प्रोडक्ट होगा तो आपका डैमेज नहीं होगा, इसीलिए ज़्यादातर आपने देखा होगा पैकेजिंग में इस टाइप के कार्डबोर्ड का यूज़ किया जाता है, या वो प्लास्टिक के जो कंटेनर होते हैं, है ना। तो कंटेनर लास्ट
एक्सचेंज में तो कंटेनर यूज किए जाते हैं, कार्टून्स यूज किए जाते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग होती है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस. क्लियर? नाउ आवर क्वेश्चन इज, अब मैं कुछ प्रोडक्ट्स उठाने जा रही हूँ, आपको मुझे बताना है ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग है. चीज़ें ही पूछ सकती हूँ, बहुत सारा सामान है मेरे पास. ये मैंने देख लेना, अरे ओपन तो करना था, इसमें क्या है? अच्छा पता लग गया क्या है इसमें? ग्लास. ओके, कौन सी पैकिंग है ये? फ्रेंडली पैकिंग क्यों है? हम इसको इमीडिएट यूज कर लेंगे, उसके बाद इसको मन कर दो इसमें रख लो. और भी है हमारे पास, निकाल ले तो. ये बॉक्स, ये तो मेरा घर का था, अभी घर से मिला है, इसके साथ है. अब इसके अंदर क्या मिला है आप बताइए जल्दी. वो चम्मच भी है, नाइस. स्पून भी साथ में फ्री मिली है, बताइए. सेकेंडरी क्यों? मैं तो ये फेंका ही नहीं है. हाँ तो जरूरी नहीं है फेंका, जरूरी नहीं है भाई फेंका, मम्मी ने बताया. यस, तो ये कौन सी हुई? प्राइमरी. प्राइमरी हो गया, इमीडिएट यूज कर लेंगे आप. ये सेकेंडरी. चलो गुड. नेक्स्ट ये क्या है हमारे पास? ये कौन सी है? ये कुछ है. अच्छा ये वाली टेप है, कौन सी है? प्राइमरी है. वेरी गुड, चलो आपको समझ में आ रहा है ये प्राइमरी. ओके, और भी है? अभी इतना सारा सामान देखा, कितना सामान लगेगा? प्राइमरी है. अरे वो कटर है, कटर क्या है? पिलर है, सॉरी मैंने चेक नहीं किया. ये क्या है? प्राइमरी है ना? ओके फाइन, तो आपको समझ में आ गया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन वाली कौन सी है मेरे पास? एक ही है. अच्छा ये ग्लासेस जो है, क्या हम इसको डायरेक्टली ले जा सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस अगर हम सेलर है तो? नहीं भाई, अगर हाउस होल्ड तो मेरे जाना ही पड़ेगा, बट हम सेलर है तो ऐसे नहीं लेके जा सकते. और अगर हम हाउस होल्ड भी है ना, तब भी वो मैं ऐसे नहीं देता इसको, अच्छे से मतलब बाइंड करके फिर एक पॉली वगैरह में डाल के और साथ में न्यूज़पेपर लगा के कितनी मतलब प्रोटेक्शन लेयर बनाने के बाद वो हमें देता है कि घर तक जाते जाते टूट ना जाए. आगे समझ में? तो आपको तीनों टाइप की पैकेजिंग का मीनिंग क्लियर हो गया. ओके, अभी हम आ जाते हैं वापस. देखो फर्स्ट क्या? फर्स्ट प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन. तीनों ही पैकेजिंग पे नेम लिखे हुए, ये वॉलिनी वाले हैं, इन पे वॉलिनी का नेम लिखा हुआ है. ये नटराज पेंसिल वाले हैं, इस पे पेंसिल का नेम लिखा हुआ है. नाउ डू लेट मी नो कि सब पे नाम लिखे हुए क्यों हैं? डिफर देम फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स. नहीं, आइडेंटिफिकेशन. इससे क्या? आइडेंटिफिकेशन, प्रमोशन. अब एक बात बताओ, कोई सिंगल प्रोडक्ट लेगा ये मतलब प्राइमरी लेता है तब भी प्रमोशन होगी, सेकेंडरी को साथ में रहेंगे तब भी प्रमोशन होगी, और जब ये ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा रहा होगा तो रास्ते में कितने लोग देखते हैं? मैं आपको कल का सिंपल से एग्जांपल दूं. कल मैं घर आ रही थी तो रास्ते में देखा एक अमूल वाला जो क्या होता है वो ट्रॉली नहीं कहते, क्या बोलते हैं, मिनी ट्रक होता है, उसमें जो अमूल के कंटेनर रखे हुए थे, उस कंटेनर येलो कलर के होते ना कंटेनर, उस येलो कलर के कंटेनर के ऊपर भी लिखा हुआ था अमूल. तो क्या होता है ये पब्लिसिटी का वे होता है, इससे क्या होता है प्रमोशन होती है. इसीलिए वो अपनी जितनी भी पैकेजिंग की लेयर्स बनाते हैं उन सारी लेयर्स के ऊपर हर जगह नाम लिखते हैं प्रोडक्ट्स का प्रमोशन के लिए. ठीक है, तो आज हमारा पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ. टाइप्स ऑफ पैकेजिंग अगेन आई एम रिपीटिंग, प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी हो गया यार. अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन, पहले मैं सामान वापस रख दूँ. नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ पैकेजिंग. इम्पोर्टेंस ऑफ पैकेजिंग, अब मैं आपसे रोल बोलूं, इम्पोर्टेंस बोलूं, बेनिफिट बोलूं, सबका मीनिंग सेम है. क्योंकि पैकेजिंग क्यों कर रहा है? जो भी एक प्रोड्यूसर है वो पैकेजिंग कर रहा है ना, क्या वजह है पैकिंग करने, क्यों पैक किया? अब सारे एक एक सिंपल सिंपल पॉइंट बताएंगे अपना माइंड यूज करके, पैकिंग का फायदा. वेट, वन बाय वन. पैकिंग के फायदे से होता है जो प्रोड्यूसर पैकिंग करता है उसका मेन बेनिफिट ये होता है कि कोई भी कंज्यूमर, इवन रोड पे भी कोई जा रहा है ना अगर, जो परचेज नहीं भी कर रहा वो भी एटलीस्ट आइडेंटिफाई करेगा कि ये कोई चीज़ है, उसे दिखाई दे रहा है, नाम भी
जुड़ी जाती है उसे तो बात थोड़ी आगे बेटा प्रोटेक्शन हो गया ना पॉइंट ऑफ व्यू सेम हुआ प्रोटेक्शन फिर चाहे वो बियर एंड डियर से हो या डैमेज से हो किसी भी तरह के डैमेज से प्रोटेक्शन मिल रही है हाँ जी बताइए प्रमोशन होता है वेरी नाइस करेक्ट पॉइंट प्रमोशन होती है आप प्राइमरी पर भी लिख रहे हो आप सेकेंडरी पर भी लिख रहे हो आप ट्रांसपोर्टेशन मैगजीन हर जगह भी नाम लिख रहे हो तो उससे क्या होगा जितने लोग भी उसे यूज करेंगे प्राइमरी से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक हर जगह इसकी क्या होगी प्रमोशन होगी और बताइए नहीं फ्री नहीं जिस दिन आप फिटनेस कॉन्शियस हो जाएंगे
उसमें आप सबसे पहले लेबलिंग पढ़ेंगे इसमें क्या चीज कितनी है, क्या खाने के बेनिफिट्स हैं, क्या खाने के लॉस हैं। तो लेबलिंग का काम क्या होता है, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना उसमें क्या है क्या नहीं है या हाउ टू यूज दैट। तो लेबलिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऑलमोस्ट आपको हर प्रोडक्ट ऑलमोस्ट क्या मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि ये कंपल्शन है। क्लियर है, लेबलिंग समझ में आ गई? ओके, अब एक बात बताओ लेबलिंग की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, लेबलिंग की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। वो चॉकलेट वाला रहता है ना, लेबलिंग की पहली क्वालिटी ये होनी चाहिए, इसमें सब कुछ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, हाँ या ना? Yes, yes. क्योंकि इसमें कई चीजें ऐसी लिखी होती है जो पता ही नहीं होता है क्या हो क्या है। अच्छा, इजी लैंग्वेज भी चाहिए आपको, ठीक है। लेबलिंग की पहली क्वालिटी, अगर वो प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक है तो उसमें पूरी डायरेक्शन लिखी होनी चाहिए हाउ टू यूज दिस, ओके, सो दैट कोई भी न्यू कंज्यूमर जो है, जो न्यू यूजर है, वो समझ सके कि हाउ टू यूज दिस, ठीक है। सेकेंड क्या होनी चाहिए, अब ये खाने की चीज़ है, यूज की तो चीज़ नहीं है, तो इसमें प्रॉपर सारे इन्ग्रीडियंट्स लिखे होने चाहिए, इसमें क्या क्या डाला, नमक, मिर्च, वट एवर इट इज, जो भी है चाहिए। वो कई लोग आपने सुना है, वो कहते हैं कि कुरकुरे प्लास्टिक के बने होते हैं, र्यूमर उड़ाना बहुत सारा है, अगर वो प्लास्टिक के है ना, बहुत प्लास्टिक भी लिखो, दैट मीन जिस भी चीज़ का वो आइटम बनाए इन्ग्रीडियंट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि इसमें क्या डाला हुआ और क्या नहीं डाला हुआ, सो दैट र्यूमर ना हो ना, मतलब र्यूमर्स क्रिएट ना हो। और इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं उसका ब्रांड नेम जरूर मेंशन होना चाहिए, हम लोगों के काम आ जाता है, हमें समझ में आ जाता है कि किस ब्रांड का ये चीज़ है, गॉट इट। इसके अलावा प्रोडक्ट के ऊपर क्या होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, दोनों कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, साइड इफेक्ट्स अगर कुछ हैं इसके बाई चांस, और कुछ प्रिकॉशंस जैसे होता नहीं, ब्लीच होती है, ब्लीच में कहते हैं कि पहले एक टेस्ट करो, है ना, कान के पीछे या हाथ पे टेस्ट करो, उसके बाद उसे अप्लाई करना, तो इस तरह की कोई प्रिकॉशंस होती है, तो प्रिकॉशंस, तो ये सब चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए प्रोडक्ट के ऊपर लेबलिंग के अंदर, सो दैट सामने वाला उसे इजीली यूज करो और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और अगर बाई चांस कोई साइड इफेक्ट है उसके, तो वो भी लिख दिया करो। कई लोग ना गूगल पे कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले गूगल पे चेक करते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, अगर वो साइड इफेक्ट्स लेबलिंग पे लिखे हो तो फिर क्यों हम गूगल पे चेक करें, है या नहीं है, तो साइड इफेक्ट्स भी साथ बार मेंशन होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ लेबलिंग, लेबलिंग कितने टाइप की होती है, जिसके ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है ना, तो वो बहुत कुछ भी कि कितने टाइप्स की लेबलिंग होती है। मैडम आपकी फिंगर आ रही है, तो वो बहुत कुछ में क्या क्या लिखा होता है, बहुत कुछ में पहली चीज होती है ब्रांड, ब्रांड लेबलिंग, इस पर अगर ब्रांड का नेम लिखा हुआ है तो ब्रांड लेबलिंग है। जैसे इन्होंने दिया हुआ है क्या लिखा हुआ है, डायमंड, येलो डायमंड, येलो डायमंड के चिप्स भी आते हैं, तो येलो डायमंड का ब्रांड, ठीक है। उसके बाद होती है यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव, आप में इसमें डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है सारी की सारी, लेबलिंग के अंदर डिस्क्रिप्शन है। इन्फॉर्मेटिव, इन्फॉर्मेशन, इसमें तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसमें ओनली डिस्क्रिप्शन है। इन्फॉर्मेशन का मीनिंग होता है जो मेडिसिन के लिए ली जाती है उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, और इन्फॉर्मेटिव। एंड द लास्ट वन आप इसके अंदर कह सकते हैं ग्रेड लेबल्स, ग्रेडिंग जो होती है, जिस भी प्रोडक्ट की ग्रेडिंग होती है वो वहाँ पर ग्रेडिंग दी जाती है। तो फोर्थ टाइप की लेबलिंग होती है।